छात्रों, आज हम एक नया अध्याय साथ राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। नाम से ही आपको समझ में आता है कि राष्ट्रीयता की भावना। आप देखते हो हमारे राष्ट्र में से 26 जनवरी में, आप देखते हो ना कि ये हमारे राष्ट्र का झंडा है, ये हमारे राष्ट्रीय मतलब एकता का हम परिचय देते हैं, राष्ट्रीयता से हम ओतप्रोत रहते हैं। तो इस पाठ में हम राष्ट्रवाद के बाद में पढ़ेंगे कि राष्ट्र क्या है और राष्ट्रीयता क्या है। और कभी-कभी दोनों शब्दों में बड़ा कंफ्यूज होता है, राष्ट्र और राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता एक भावना है और राष्ट्र मतलब एक, उसको हम कई लोग राज्य से भी जोड़ लेते हैं, लेकिन राज्य अलग होता है और राष्ट्रीयता अलग होती है। तो ये राष्ट्र और राष्ट्रीयता शब्द की प्रस्तावना और आत्मा है। तो राष्ट्र शब्द और राज्य में हमें अंतर करना है, तो हम राष्ट्रीयता के बारे में समझेंगे। राष्ट्रीयता मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो हम पहले दूसरे देश में जाते हैं तो हम अपनी राष्ट्रीयता का परिचय देते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं हम एक परिवार के हैं, परिवार में समाज होता है, परंपराएं होती हैं, सामान्य हित होते हैं और सबका अलग अलग क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो इससे हम मानव समुदाय की एकता का परिचय देते हैं। तो राष्ट्रीयता का अर्थ के लिए लास्की ने लिखा है कि एक विशेष प्रकार की ये क्या है, एकता है। ये जो एकता है हमें समान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, समान परंपरा और समान संघर्षों का परिणाम है। हमने भारत देश को स्वतंत्र कराया तो उस समय सारे लोगों का मत एक ही था, संघर्ष किया। तो वह एक जन समूह को शेष समूहों से पृथक करती है। तो राष्ट्रीयता एक प्रकार की मानसिक भावना है जो मनुष्य के मनोभावों का परिणाम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम स्वतंत्रता की जब इच्छा करते हैं तो हमारे मन में भी एक राष्ट्र का एक रूप धारण कर लेते हैं और उस राष्ट्र स्वयं में राज्य और राष्ट्रीयता का क्या होता है, योग होता है। तो किसी भी मानव समुदाय को राज्य का रूप धारण करने के लिए आवश्यक है कि उसका अपना एक संगठन हो, राजनीतिक दृष्टि से उसको कुछ अधिकार प्रदान किए जाएं, तब राष्ट्रीयता का संबंध उस मानव समुदाय की एकता की भावना से होता है। तो राष्ट्र और राष्ट्रीयता में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। राष्ट्रीयता एक प्रकार की भावना है जो भाषा, साहित्य, विचारों, प्रथाओं, परंपराओं आदि के बंधन में इस प्रकार से बंधे हैं कि वे स्वयं में उसी प्रकार बंधे हुए अन्य जन समूहों से पृथक एक सुदृढ़ एकता का अनुभव करते हों। राष्ट्रीयता का संगठन जब स्वतंत्र अथवा स्वतंत्रता की इच्छा रखने वाली एक राजनीतिक संस्था का रूप ले लेती है तो वो क्या बन जाता है, राष्ट्र। तो एक राष्ट्र के अंदर समूह की एक विशेष भावना जागृत होती है, उपराष्ट्रीयता की संज्ञा हम देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं गिलक्राइस्ट ने भी राष्ट्रीयता के बारे में लिखा। तो ये राष्ट्रीयता एक प्रकार की हमारे मनोभाव है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्र का अर्थ और परिभाषा। राष्ट्र को इंग्लिश में नेशन बोलते हैं और उसका हिंदी रूपांतरण ही है राष्ट्र। तो राष्ट्र में क्या होता है, मतलब राष्ट्र किसका पर्यायवाची होगा, जिसमें जन्म जाति और का पर्यायवाची है। राष्ट्र मतलब एक राष्ट्र में जन विभिन्न जन्म और जाति के लोग भी रहते हैं, लेकिन जिसमें एकता की भावना हो उस समय। यदि वे परतंत्र है तो स्वतंत्र होने की भावना पाई जाती है। यदि हम परतंत्र है तो हम चाहते हैं कि स्वतंत्र हो। तो इस प्रकार राष्ट्र के लिए उसका पूर्ण स्वतंत्र होना आवश्यक न होकर स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा ही
पर्याप्त समझी जाती है। कुछ विचारकों ने राष्ट्र की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जैसे बर्गेस विद्वान ने दिया है कि एक ऐसा जन समुदाय जो वंशीय एकता रखता हो और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, वह क्या कहलाता है? राष्ट्र। लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है, राष्ट्र वह राष्ट्रीयता है जिसने स्वयं को स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाली एक राजनीतिक संस्था के रूप में संगठित कर लिया हो। ऐसे ही ब्लंचली ने बताया है कि जहाँ पर भाषा और रीति रिवाज द्वारा एक ऐसी संयुक्त सभ्यता से बंधे हुए रहते हैं जिनमें एकता की भावना हो और हम अपने आप के दूसरे विदेशों से अपने आप को अलग रखते हों। ये था राष्ट्र का अर्थ और राष्ट्र से संबंधित ये तीन परिभाषाएं। अब हम पढ़ेंगे राज्य और राष्ट्र में अंतर। राज्य और राष्ट्र में कई लोग पहले एक ही अर्थ लेते थे, पहले राष्ट्र नहीं हुआ करते थे, पहले बहुत सारे राज्य, जैसे भारत करीब 550 राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन अब उनका अर्थ दोनों का अलग-अलग है। जैसे भारत, आज वर्तमान में हम भारत को एक राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कई लोग उसको भारत राज्य से ले लें। कई बार अनेक देश इकट्ठे हो गए, संगठन हुआ, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, ये अनेक राष्ट्रों का संघ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है UNO। ये टेस्ट में या एग्जाम में आ सकता है, UNO का पूरा नाम क्या है। तो राष्ट्रों का संघ ना होकर राज्यों का संघ है, तो इसका नाम संयुक्त राज्य संघ होना चाहिए? नहीं, लेकिन इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो हम देखते हैं कि दोनों में, राज्य और राष्ट्र में, थोड़ा सा अंतर है। तो ये अंतर आप देखेंगे, पहला, राष्ट्र भावनात्मक एकता का मूर्त रूप है और राज्य का आधार है राजनीतिक एकता। हम जैसे हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो हम राष्ट्रीयता मध्य प्रदेश नहीं बोलते हैं, राष्ट्रीयता हम भारतीय बोलते हैं। तो जो राष्ट्र है, मनुष्य की आध्यात्मिक अथवा भावनात्मक एकता का मूर्त रूप है, मतलब उसके बदले में है, जिसका संबंध जीवन के आध्यात्मिक पक्ष से होता है, जबकि राज्य पूर्ण रूप से एक राजनीतिक संगठन है और जिसका संबंध जीवन के भौतिक पक्ष से होता है, मतलब हमें राजनीति के नियमों का पालन करना है। दूसरा अंतर हम देख सकते हैं, संप्रभुता राज्य का आवश्यक लक्षण है, राष्ट्र का नहीं। संप्रभुता मतलब हमारा अधिकार, हमारा एक भू क्षेत्र जहाँ पर हम अपना अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। तो राज्य में एक संप्रभुता एक राज्य का एक अनिवार्य लक्षण है, राष्ट्र में संप्रभुता का होना अनिवार्य नहीं है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि संप्रभुता के अभाव में भी जन समुदाय द्वारा राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राष्ट्र होने के लिए स्वतंत्र होने की भावना ही क्या होती है? पर्याप्त होती है। स्वतंत्रता के प्राप्ति से पूर्व भारत स्वयं में राष्ट्र तो था, परंतु राज्य नहीं था। तीसरा, कभी कोई राष्ट्र राज्य नहीं होता। ऐसे हम भारत को राज्य नहीं कहेंगे, राज्य राष्ट्र के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन राष्ट्र राज्य नहीं होता है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था हमारा 1914 में, कुछ उदाहरण दिए हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी का राज्य था, ऑस्ट्रिया राष्ट्र नहीं था। इसी प्रकार यूरोप के कुछ शक्तिशाली राज्यों द्वारा पोलैंड का बंटवारा कर दिया और उसकी स्वतंत्रता का छीन ली, तो पोलैंड नामक राज्य का क्या हो गया? अंत हो गया, लेकिन पोलैंड नामक राष्ट्र का कभी अंत नहीं होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि और भी इसमें अंतर है। एक राष्ट्र कई राज्यों में विभाजित हो सकता है, एक राष्ट्र की राष्ट्रीयता होती है, जैसे स्विट्जरलैंड में जर्मन, इटालियन और फ्रेंच राष्ट्रीयता के लोग
निवास करते हैं, जबकि एक ही राष्ट्र कई राज्यों में बटा हो सकता है। पोल जाति के लोग कई राज्यों में फैले हुए हैं। राज्य का क्षेत्र सीमित होता है और राष्ट्र का असीमित। राष्ट्र बड़ा है। राज्य के लिए एक पहली शर्त है कि उसका एक भूभाग होना चाहिए। राष्ट्र के लिए एक निश्चित भूभाग का होना अनिवार्य नहीं है। एक ही राष्ट्रीयता के लोगों के लिए भूभाग में फैले होने के कारण राष्ट्र की सीमा हम निश्चित नहीं कर सकते। फिर है राज्य संगठित परंतु एक जो रहता है। राष्ट्र संगठित असंगठित दोनों प्रकार का हो सकता है। राज्य सरकार के बिना जीवित नहीं रह सकता, जबकि राष्ट्र संगठित और असंगठित दोनों सकता है। राज्य छोटा है, आप में उसके नियंत्रण करने वाली सरकार होना चाहिए। सातवां, राज्य प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र प्रभुत्वहीन। अब राज्य में एक सरकार है तो वो प्रभुत्व संपन्न होगा, आदेश का पालन कराने, विद्रोहियों को दंड देने। राष्ट्र के पास आध्यात्मिक बल होता है। कोई भी राष्ट्र राज्य का रूप ग्रहण कर लेने से दंड देने की शक्ति से क्या हो जाता है? युक्त। तो हम देखते हैं राज्य और राष्ट्र में थोड़ा सा अंतर है। धर्म की भांति राष्ट्रीयता एक मनोभावना भावात्मक प्रवृत्ति है। राज्य तत्व बाह्य वस्तु है। राष्ट्रीयता एक मनोवैज्ञानिक है। और जो राज्य में जो राजत्व है वो राजनीतिक प्रश्न है। राष्ट्रीयता मन की स्थिति से संबंधित है और राज्य एक कानूनी क्या है, मामला है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने आज पढ़ा राष्ट्र और राज्य में थोड़ा सा अंतर है। धन्यवाद।